What day is it today? Monday. No. Chalo. Good morning, everyone. आज है मंडे. सॉरी, आज है ट्यूसडे. मंडे तो बैंक हॉलिडे थी और मैं आ गई हूँ अपने ऑफिस. सर, बहुत दिनों बाद फाइनली ऑफिस में बैठ के काम करूँगी. बट एनीवे, आपसे मिलते हैं दोपहर शाम में. तारीख तो मैं भूल चुका हूँ, मेरे ख्याल से 27 अगस्त होगी और मैं नीचे आ चुका हूँ. उठा तो मैं सुबह से हुआ हूँ, जब दिव्या किचन निकल रहे थे तभी मैं उठ गया था और अपने कुछ कॉल्स वॉल्स कर रहा था. फिलहाल आ चुका हूँ नीचे. अभी तक वैसे मुझे भूख नहीं लगी है. कल मैंने 8 बजे के करीब खाया. वो जो मैंने डाइट ली थी कल, वो ये भी सही नहीं है. मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया. तो वो ज़्यादा प्रोटीन रिच, मतलब 40 ग्राम्स, उसमें 40 ग्राम्स प्रोटीन था उसके अंदर. तो अभी तक मुझे भूख लगी नहीं है, सोचो आप. फिर भी अब मैं कुछ बर्तन वर्तन सेट करके थोड़ा सा कुछ खा पी लेता हूँ, उसके बाद मेरी फिर से एक कॉल है और फिर पूरा दिन. मेरे वैसे दिन लगभग सेम ही होते हैं. मेरी कॉल्स होती हैं, मेरा म्यूज़िक बन रहा होता है, इंजेस्ट करना होता है रिलीज के लिए, उसके क्रिएटिव डिस्कशंस ये वो. तो अगर मैं एक ही दिन ब्लॉग बना लूँ और वही रोज़ भी रिपीट कर दूँ तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा. मतलब ऑलमोस्ट मेरे लगभग दिन एक जैसे रहते हैं एंड आई लाइक इट अ लॉट. बोरिंग टाइप का इंसान हूँ मैं एक्चुअली. थोड़ा सा ये खाते हैं आज. मैंने नोटिस किया कि मैंने एक ही रेसिपी दो बार मंगवा ली है. कोई पर्टिकुलर जो मैंने कल खाई थी ना, उसके मैंने 2 डब्बे मंगवा लिए. ये सिस्टम बहुत सही लगा कि अब खाने वाने की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर ये जम जाता है इसका टेस्ट और अगर लग रहा है कि फूड हेल्दी है ये, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. क्योंकि पूरा 25,000 रुपये महीने में, जिससे पूरा मेरा पूरा मंथ का फूड सॉर्टेड, वो भी प्रॉपर लाइक कैलोरी काउंटेड डाइट. तो देखते हैं, हो सकता है थोड़े दिन में इससे बोर हो जाऊँ. सच बताऊँ, मेरा वैसे बिल्कुल मन नहीं होता व्लॉग बनाने का ऑनेस्टली. क्योंकि क्या ही बोलूँ मैं अब यार, मैं वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंडिविजुअली ना अपना एक पर्सनल लेवल पे बहुत ही एक बोरिंग सा बंदा हूँ. मतलब मुझे आप एक रूम में बंद करके आप छोड़ सकते हो फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, ठीक है, और मैं उस रूम में बहुत खुश रह सकता हूँ. तो मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है कि मेरे जैसे बंदे को तो व्लॉग करना ही नहीं चाहिए. क्योंकि ऑनेस्टली मतलब मैं अभी नीचे आया हूँ, मैं वही सब 4 चीज़ें करूँगा जो मैं रोज़ करता हूँ. मेरी सेम लाइफ रहेगी और मैं उसी में ज़्यादा खुश रहता हूँ. जब वो चीज़ चेंज होती है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता. पीपल आई नो पीपल लव चेंज एंड आई हेट इट. मुझे ऐसा लगता है कि ये जैसा चल रहा है ये ऐसे ही चलता रहे. और मुझे पता है कि कितना बोरिंग लगता होगा दूसरे लोगों को ये सेम चीज़ देखने में. तो बट यस, मैं ऐसा ही हूँ, मैं क्या करूँ अभी. सबसे ज़्यादा हैपनिंग लोग मेरी ज़िंदगी में है दिव्या और कीचू, क्योंकि वो ज़्यादा थोड़े से यू नो उनको अच्छा लगता है बाहर घूमना फिरना. मेरे को ऐसा होता है कि कहीं मैं जाता हूँ मुझे लगता है बस अब घर कम पहुँचेंगे, और उनको लगता है कि ट्रिप खत्म होने वाला है. और नो, कीचू बोला था आई डोंट वांट टू गो होम कल जब हम आ रहे थे, और मुझे ऐसा था बस घर पहुंचे गाड़ी, उसके बाद मैं जाऊं अपने रूम में लैपटॉप ऑन करूं और काम शुरू करूं. हर एक बंदा अलग अलग टाइप का होता है. एनीवे, हाँ जी, तो जिम से मैं आ चुका हूँ सीधा कीचू को पिक करने, और इसके बाद मुझे जाना है लेमिंगटन स्टेशन आरएन को पिक करने. आरएन की फ्लाइट क्या थक गया हूँ. आरएन की ट्रेन है 5:30 की, बर्मिंघम से बैठ गया था. तो लगभग और 15-20 मिनट में आरएन भी पहुँच जाएगा लेमिंगटन. तो उसके बाद कीचू को पिक करके फिर मैं जाऊँगा लेमिंगटन स्टेशन आरएन को पिक करने. आप देख सकते हो दिन वापस से छोटे होने शुरू हो चुके हैं. अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा आपको नज़र आ रहा है, मगर इतना ब्राइट नहीं है जितना हुआ करता था इस टाइम पे. इस टाइम पे तो ऐसा लगता था कि हाँ दोपहर का अभी 1:30 बज रहा होगा. शाम वाली फीलिंग आती नहीं थी और अभी रात वाली फीलिंग आ रही है. और सुपर हीरो इज बैक. कीचू, आर यू स्पाइडरमैन और बैटमैन? कैप्टन अमेरिका? फिर ठीक है.
दिन खत्म, काम नहीं खत्म, काम बहुत सारा है। कितनी आवाज आती है इस बैग से। एनीवे हाँ, क्या बताया थी मैं आपको, काम है बहुत सारा। सितंबर बिजी होने वाला है क्योंकि बच्चे अब वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे मतलब शुरू कर रहे हैं अपना कोर्स, नया सेशन शुरू हो रहा है, तो ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो भर ही जाता है उस टाइम पे कि क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं, कैसा एक्सपीरियंस था पिछले बच्चों का, व्हाट कैन यू लुक फॉरवर्ड टू, और ये सब। तो बस उसकी तैयारियां शुरू। इट्स गोना बी अ बिजी सितंबर, और बहुत सारे इवेंट्स हैं जो मुझे कवर करने हैं। और जब भी मैं ऐसे कैमरा से देख के बातें करते हुए आ रही होती हूँ और कोई सामने से आ जाता है तो मुझे इतनी शर्म आती है और मैं इसको बंद कर देती हूँ, जैसे कि अभी फिर से होने वाला है। ये मैंने पहली बार देखा है स्टेशन के पीछे वाली एंट्रेंस है एक। या कलर पैलेट्स लगे हुए हैं बहुत सारे। Yeah, for 10 minutes and the train was not moving. I got so scared. देखो, आ चुका है पूरन पूरी from Swara's mom. Yes, बहुत ही अच्छी फीलिंग थी भाई, मैंने कभी खाई नहीं ये डिश। मैं तो बॉम्बे में इतनी खाई है, मजा आया था। पूरन पूरी खा के मजा आ गया भाई, पता नहीं कितने टाइम बाद खा रहा हूँ मैं। आपने खाई पहले? मैंने तो बहुत खाई है बॉम्बे में, फर्स्ट टाइम खाया इसका, फर्स्ट टाइम था, बहुत ही बढ़िया, लेकिन एपिक। और ये ऑथेंटिक एकदम महाराष्ट्रियन स्टाइल में बनी हुई है, तो मज़ा आ गया खा के। डिब्बी इज बैक फ्रॉम ऑफिस। खुशियों की बैठ के खा रहे हैं चाय लेके बाहर। ये देखो स्काई, यूनिफॉर्म आ चुकी है, खींच चुकी। माय योर न्यू यूनिफॉर्म फॉर योर न्यू स्कूल, फॉर माय न्यू स्कूल। वाओ, सो कूल, सो हैप्पी। माय एंड इट्स वाइट अभी, राइट नाउ इट्स वाइट अभी। It's gonna be so much easy to maintain it. Is that mine? So you get it. Yeah, that's yours as well. Yeah. This one. Guitar man had come yesterday. Yeah. Do you like him? Yeah. And what did he sing? Everybody loves biscuit, donuts, or yet boogies. I don't know. गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल रात को मैं सोया था बहुत 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 लेट, और उठने में भी लेट हो गया हूँ, और मेरी थी एक कॉल 11 o'clock की, जिसके लिए मैं बहुत लेट, थोड़ी फटाफट एक ब्रेड बनाई है और चाय रखी है, खा के फिर भागूंगा कॉल के लिए। कॉल थोड़ी सी डिले की है 12 बजे। मैनेजर है, मतलब मेरी मैनेजर की जो मैनेजर है, जो हम सब की 2-3 टीम्स की मैनेजर है, उनका लास्ट वर्किंग डे है मतलब इन ऑफिस, तो मैं उनके लिए कुछ कुछ लाई हूँ। मैं थोड़ी सी उदास भी हूँ क्योंकि आई रियली यूज टू लुक अप टू हर, आई स्टिल डू, पर अब वो जा रही हैं। मैंने सोचा था मैं बहुत कुछ सीखूँगी, बहुत ही दबंग पर्सनैलिटी की हैं वो, और मतलब टीम के लिए जान भी हाजिर है टाइप वैसी है, एंड हेंस ऑब्वियसली द ग्रोथ। कोई नहीं, बट आई थिंक वो थोड़े ही टाइम के लिए जा रही है, कुछ 1.5-2 साल बाद वो आ जाएंगी वापस। सेकेंड मिंड अपॉर्चुनिटी है यूनिवर्सिटी में ही कहीं पे, तो वहाँ जा रही है।
But anyway, excited हूँ उनसे मिलने के लिए last time. चलो आपसे मिलते हैं दोपहर शाम में. ढाई बज चुके हैं, हम जाके फोन उठाया, सुबह से बैक टू बैक कॉल्स थी. फिलहाल मैं आ चुका हूँ नीचे, ये है मेरा लंच आज का. Let's eat it. नाश्ते में मैंने कुछ एक कुछ तो खाया था, लेके आया था सामने शॉप है बेकरी, वहाँ से कुछ लेके आया था. फिलहाल ये खा के वापस भागूंगा काम पे. किचन में थोड़े बहुत बर्तन थे मैंने डाल दिए डिश वॉशर में, उसके बाद जाएंगे कीचू को पिक करने. नेक्स्ट वक्त हो चुका है जिम जाने का, बस इतना ही बताने के लिए फ़ोन उठाया था. अब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं और आगे कुछ दिखा नहीं सकता आपको. हाँ जी, तो आज था मेरा लेग्स डे. आज चलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत टाइम तो लेग्स मारी जिम ऑन एंड ऑफ हो रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ हो रहा है, ज़्यादा रूटीन में नहीं आ पा रहा. महाराज आ चुके हैं. चलो जी, कीचू महाराज आ चुके हैं. Come, let's write my name.